हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टैक्सेशन कराधान। हम देंगे इस टॉपिक का फुल बेसिक कंसेप्ट और कराएंगे बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। मैं एस पी सैनी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो चल करते हैं वीडियो को शुरू। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कर क्या है, यानी कि टैक्स क्या है। टैक्स जो है सरकार की एक आय है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस रोड पर चल रहे हैं उस रोड को बनाने में पैसा कहाँ से आता है? उस रोड को बनाने में पैसा आपकी जेब से ही आता है, यानी कि टैक्स के रूप में। सरकार की जो आय है, इनकम का जो स्रोत है, वो होता है टैक्स। और देश में जितने भी लोग की इनकम होती है, जिन कारोबार होता है या नौकरी पेशे वाले हैं, अगर वो निश्चित आय से एक अधिक आय उनकी होती है, इनकम होती है, तो उस पर टैक्स देना होता है। और वो टैक्स ही सरकार की आय होती है। और ये टैक्स सरकार विभिन्न कार्यों में खर्च करती है, जैसे सड़क बनाने में, सरकारी हॉस्पिटल बनाने में, सरकारी स्कूल बनाने में, और भी बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे सरकार ये पैसा खर्च करती है। जितना टैक्स वसूला जाता है, अगर वो सभी पैसा अगर कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किया जाए, तो देश का बहुत ज़्यादा विकास हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि बीच में वो टैक्स का पैसा गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। तो कहने का मतलब ये, किसी भी देश के विकास के लिए टैक्स देना अनिवार्य है, तभी उस देश का जो विकास है वो होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो भी इनकम टैक्स, यानी जो भी टैक्स के दायरे में आ रहा है, टैक्स पेड करना चाहिए, क्योंकि टैक्स पेड करने से ही देश का जो डेवलपमेंट है वो तेजी से होता है। इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी आप इसको देख सकते हैं। आपके सामने थोड़ी सी थ्योरी ये हमने दी है, इसको आप समझ सकते हैं कि क्या है टैक्स। अगर जो बातें मैंने आपको बताई वो समझ में नहीं आई, तो अब हम समझते हैं कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली जो टैक्स होता है वो दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। तो वास्तव में दोनों ही प्रकार का जो टैक्स है वो हमें ही देना पड़ता है, लेकिन उसका जो टाइप है वो अलग है। तो समझते हैं सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर क्या होता है। जब टैक्स किसी व्यक्ति पे डाला जाए और वो टैक्स उसी को देना पड़े, तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसा कि पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि पहले व्यक्ति पर टैक्स डाला जा रहा है और उसकी जेब से ही वो टैक्स सरकार को दिया जाए, तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दूसरा टैक्स जो ऐसा होता है, वो डायरेक्ट व्यक्ति पे नहीं डाला जाता, बल्कि उन चीज़ों पर डाला जाता है जैसे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे शैम्पू है, कोलगेट है, या कोई भी कंपनी है, उसमें जो भी प्रोडक्ट बनना है उस पर टैक्स डाला जाता है। लेकिन जो कंपनी का स्वामी है वो उस टैक्स को पेड नहीं करता। डाला तो उस पर डाला रहा था, वो कौन पेड करता है? जो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा टैक्स जो हमारे पर डायरेक्ट ना पड़े, किसी माध्यम से, कैसे, जैसे हम मार्केट से कुछ चीज़ खरीदते हैं, कोलगेट पेस्ट लेकर आते हैं, तो हम टैक्स उसमें दे कर आते हैं, तो पड़ा तो हमारे पे, लेकिन वो सीधा हमारे पास नहीं पड़ा। पहले वो टैक्स जिसने प्रोडक्ट बनाया उस पर पड़ा, उसने क्या है उस प्रोडक्ट पे टैक्स लगा दिया और वो हमसे वसूल लिया। तो इस तरह का जो टैक्स होता है, यानी जो सीधा हमारी जेब पे ना पड़े, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसकी डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए देखिए थोड़ा सा, देखिए प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसे जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाए उसे उसी से वसूला जाता है, ठीक है? तो उसी से वसूला जाएगा जिस पर डाला जाएगा। इसे जो है आप दूसरे पर स्थानांतरित नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मेरे पर टैक्स पड़ा, तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने जो है किसी रिलेशन पर स्थानांतरित कर दूं या किसी और व्यक्ति पर कर दूं, मुझे ही देना पड़ेगा। जबकि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? वह कर जिसे सीधे जनता से नहीं लिया जाता, किंतु जिसका बोझ अनंत जनता पर पड़ता है, यानी सीधे उस व्यक्ति से नहीं लिया जाता लेकिन पड़ता उसी पे, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर के बोझ को स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि उसे जो है दूसरे पर डाला जा सकता है। यानी पड़ा तो फैक्ट्री पे है जो प्रोडक्ट बनना है, तो वो तो उस पर टैक्स पड़ा, लेकिन उसने क्या किस पर डाल दिया? जो उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, ठीक है? तो इसे स्थानांतरित कर सकता है। इसकी कुछ और भी हैं, इनको अंतर करने के लिए आप ये देख लीजिए। वो प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो व्यक्ति और कंपनियों की आय और संपत्ति पर लगाए जाते हैं। अब देखिए, आपकी कोई कंपनी है, उसमें जो प्रोडक्ट बनना है, अगर उस पर जो फायदा होगा, मुनाफा होगा, जो भी आपकी इनकम होगी, तो वो तो टैक्स आप पे पड़ेगा, वो तो डायरेक्ट टैक्स होगा। लेकिन जो प्रोडक्ट बना है और उस प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगा है, वो प्रोडक्ट का जो टैक्स होगा वो जो प्रोडक्ट खरीदेगा उस पर पड़ेगा। तो इसलिए जो प्रोडक्ट है जितने भी, उस पर जो टैक्स लगता है वो कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए, जो डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं, कुछ आयकर है, निगम कर,
निगम कर से मतलब ये है कि निगम जिसका जो भी निगम का स्वामी है उससे जो इनकम हो रही निगम से उस पर वो टैक्स पड़ेगा। संपत्ति कर यानी कि हमारी जो भी प्रॉपर्टी हम परचेज करते हैं, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है तो उस पर भी हमें टैक्स लेना पड़ता है, हाउस टैक्स के रूप में देना पड़ता है। उपहार कर अगर कोई जैसे बड़े बड़े गिफ्ट जैसे कौन बनेगा करोड़पति में अगर हमें कुछ पुरस्कार की राशि या गिफ्ट की राशि मिलती है तो उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ता है। स्टाम्प कर कोई भी आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हमें स्टाम्प लेना पड़ता है, स्टाम्प एक तरह से टैक्स ही होता है। जिस सड़क पर हम चल रहे हैं उस पर भी टैक्स देना पड़ता है, जैसे हम टू व्हीलर या फोर व्हीलर हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है, तो वो टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट होता है क्योंकि डायरेक्ट वो हमारी जेब से जाता है। इसके अलावा अगर हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं मार्केट से तो देना उस पर भी टैक्स होता है, लेकिन वो डायरेक्ट हमारी जेब पे नहीं डायरेक्ट पड़ता तो हमारी जेब पे लेकिन डायरेक्ट हमारे पे नहीं डाला जाता है, पहले जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है उस पर पड़ता है और उसके बाद हमारे पे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आप इनको देख लीजिए। अब देखिए बहुत सारे इसके कुछ MCQ हैं जिससे सारी बातें क्लियर होंगी। एक टाइप और है जो इनकम टैक्स जो सरकारी सेवा में होते हैं यानी कि जो गवर्नमेंट टीचर है या कोई और उसमें है तो उस पर टैक्स कैसे निकाला जाता है, एक चीज़ वो हम इसमें बताएंगे। साथ में जो प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं तो उस पर टैक्स कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ें हम MCQ के माध्यम से बताएंगे। तो पहला पार्ट है ये, इस पार्ट में हम केवल जो प्रोडक्ट है जो भी चीज़ हम परचेज करते हैं तो उस पर टैक्स कैसे निकाला जाता है वो चीज़ सिखाएंगे। इसके बाद जो पार्ट टू आएगा उसमें इनकम टैक्स कैसे निकाला जाता है यानी जो भी सरकारी कर्मचारी हैं टीचर हैं या कोई और है तो मैं एक टीचर का इनकम टैक्स कैसे निकाला जाएगा वो चीज़ हम बताएंगे इसे नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल इसमें जो हम MCQ करा रहे हैं वो करा रहे हैं प्रोडक्ट पर टैक्स कैसे निकाला जाता है। तो चलिए इसे समझते हैं। आज देखिए हम जितने भी MCQ कराने वाले हैं उन पे एक ही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, कुल मूल्य इज इक्वल टू अंकित मूल्य प्लस कर। कुल मूल्य से मतलब ये है कि हम मार्केट से जो भी चीज़ खरीदते हैं वो कुल मूल्य पर खरीदते हैं। जैसे हमारे कोई टीवी हम खरीदते हैं तो दुकानदार हमें कहता है कि टीवी 12,000 का, तो इसका मतलब उसके अंदर जो है अंकित मूल्य भी है और टैक्स भी है यानी टैक्स जोड़ता है। अंकित मूल्य का मतलब होता है जो उस प्रोडक्ट की कीमत है प्लस उस पर टैक्स यानी कि जो MRP हमें बताते हैं तो वो MRP का मतलब होता है कुल मूल्य। कभी कभी हम कुल मूल्य में भी कम कर लेते हैं तो कम करने का मतलब है अगर किसी पे कोई रेट कम किया जा रहा है तो टैक्स कम नहीं होता, टैक्स तो जो सरकार ने निर्धारित कर रखा वो तो देना ही पड़ता है हमें। क्या कम होता है? अंकित मूल्य कम होता है। जब अंकित मूल्य कम होगा तो अंकित मूल्य से ही टैक्स भी कम हो जाता है क्योंकि जो टैक्स लगेगा वो हमेशा अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पर लगेगा। ठीक है, तो इसको हम देखिए शॉर्ट में जो यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को शॉर्ट में हम इस तरह यूज करेंगे। सेलिंग प्राइस को हम लिखेंगे एस सेलिंग प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस को हम लिखेंगे ऐसे मार्क प्राइस MP और प्लस के टैक्स, टैक्स को कैपिटल T लिख सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे सभी के MCQ केवल एक, सेलिंग प्राइस इक्वल मार्क प्राइस प्लस के टैक्स। या आप हिंदी में यूज कर सकते हो कुल मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, कुल मूल्य का मतलब होता है विक्रय मूल्य भी कह सकते हो उसको, कुल मूल्य को हम विक्रय मूल्य भी कहते हैं यानी कि जो जिस रेट में कोई वस्तु बेची जा रही है। अंकित मूल्य से मतलब यह है कि टैक्स से अलग जो मूल्य होगा वो अंकित मूल्य कहलाएगा, टैक्स लगा के कुल मूल्य हो जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, आपको अगर इसका आंसर मालूम है तो आप मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को दे सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। क्या देखिए, यदि एक वाशिंग पाउडर के पैकेट का अंकित मूल्य 120 रुपये, यानी अंकित मूल्य कितना है 120 रुपये, और उस पर बिक्री कर की दर यानी कि जो टैक्स है वो 12.5% लगाया जाता है, तो वाशिंग पाउडर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना? सेलिंग प्राइस निकालना। मार्क प्राइस हमें दे रखा है 120 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर टैक्स कैसे निकाला जाएगा? देखिए टैक्स हमेशा अंकित मूल्य पर निकालना। कैसे? 120, 120 का 12.5%, तो का के लिए हमेशा क्रॉस का निशान लगाएंगे, 12.5% यानी जो भी परसेंटेज का चिन्ह लगा उसे हटा के अपॉन में हम 100 ले देंगे, ठीक है। इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस यानी S। तो अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं, ये पॉइंट हटा दिया यहाँ से, एक जीरो बढ़ा दिया, तो ये वाले पॉइंट जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 और 4 3 12, 3 5 15, 15 120 हो गए, 135 रुपये, 135। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका? 135 रुपये, यानी कि जो हम प्रोडक्ट खरीदेंगे वो 135 रुपये में। तो राइट आंसर हो गया इसका B। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो लीजिए क्वेश्चन नंबर दो, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर दो है, स्क्रीन पे है। एक टीवी का अंकित मूल्य ये है, अंकित मूल्य का ना मार्क प्राइस, एमपी बोलेंगे इसको, ठीक है। मोहन को अंकित मूल्य पर 6% की छूट। आप देखिए जरा ध्यान देंगे, तब भी कभी भी छूट दे दी जाए तो वो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर लगती है, यानी कि उसका जो अंकित मूल्य होता है वो कम हो जाता है। तो अब जो अंकित मूल्य होगा यानी मार्क प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 12,500 नहीं रहेगा, उस पर 6% की जो छूट करेंगे वो रहेगा, ठीक है। वैसे तो अगर छूट नहीं दी होती तो यही रहता है इसका मार्क प्राइस, लेकिन 6% की छूट की वजह से ही कम हो जाएगा। कैसे निकालेंगे छूट की? पहले तो हम 12,000 में से, 12,500 में से इसका 6% कम कर देंगे, तो 12,500 का 6% का की जगह क्रॉस और 6% का मतलब परसेंट का चिन्ह हटा कर बटे में 100 लिख देते हैं, तो वो कुल मिला के इतने रुपए की छूट हो जाएगी। यह जाएगा 12,500, 125 की 6 से गुणा करेंगे, 6 5 30, 6 2 12 3 15, 6 6 1 7, यानी 750 रुपये। तो 1250 में से 750 कम कर देंगे तो 0 का 0, 10 में से 5 के बचे 5, यहाँ बचा 4, यानी 14 में से 7 के बचे 7, और ये बचेगा 11,750 रुपये, यानी कि अब जो मार्क प्राइस है वो ये है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना, तो फॉर्मूला लगाएंगे वही, देखिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस प्लस टैक्स, टैक्स को शॉर्टकट में टी कह सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस यहाँ तो कुल कितना दें, सेलिंग प्राइस हमसे पूछा, मार्क प्राइस ही हो जाएगा जो अभी हमने निकाला, 11,750। अब इसी पर टैक्स निकालना, 11,750 का कितने परसेंट, 6%, तो 6/100, तो यहाँ पे एक जीरो से जीरो कैंसिल कर जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो पहले 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10 एक हो जाए, 5 3 15, 5 5 25, ठीक है, और 2 3 6, तो कितना हो जाएगा, 11,750, और ये हो जाएगा 2 3 5 15 का 5, 3 3 9, और 1 10 का 0, 3 2 6, और 1 7, 705 रुपये। तो 705 रुपये इसमें और जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 और 5, फिर ये 7 और 7 14 का 4, और 11 1 12 हो जाएगा, यानी कि 12,455 रुपये, 12,455, यानी राइट आंसर हो गया इसका बी, 12,455 रुपये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या, पहले हम इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ग्राहक एक मोटरसाइकिल 50,400 रुपये में खरीदता है, ठीक है। वो खरीद रहा है तो इसका मतलब टैक्स सहित खरीदेगा, जो भी ग्राहक कोई चीज़ परचेज करता है तो टैक्स सहित करता है, यानी कि ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया इस तरह से, जिसमें 12% का व्यापार कर सम्मिलित है। आप देखिए ये जो 12% कर लगाया गया था, तो जिसने मोटरसाइकिल बनाई, लेकिन वो हमसे ले लिया, ले ले रहा, ठीक है, लेकिन इस पर जो फायदा उसे होगा वो डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य याद कीजिए, तो मोटरसाइकिल कितना अंकित मूल्य है, यानी कि जो फैक्ट्री जिसने बनाई होगी तो उसका मूल्य कितना, वो हमें बताना है। तो जैसा कि हमने बताया, शॉर्टकट में फॉर्मूला लगाना, सेलिंग प्राइस यानी कुल मूल्य, मार्क प्राइस प्लस टैक्स, ठीक है, टी बना सकते हैं शॉर्टकट में। अब सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ, तो सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 50,400, मार्क प्राइस हमें निकालना जो हमें नहीं दे रखा, तो हम इसको एक्स ले लेते हैं, ठीक है, और एक्स पे ही हमें कितना लगाना, 12% का टैक्स लगाना। तो इसे देखिए शॉर्ट में ही सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी यानी अंकित मूल्य निकालना, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 100x + 12x 112x, और इसको हम इधर ले जाएंगे देखिए, क्योंकि ऐसा करने से जो, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ जोड़ कर जो भी आए उसे यहाँ पर लिख दो, यानी कि 112, और एक्स को हम यहीं रख देंगे, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, 100 चौका 400 और 12 चौक 48, चलो पहले 4 से काट देते हैं, 4 दुनिया 8, 4 8 32, 4 1 4 एक हासिल, 4 दुनिया 8, 4 6 24, ठीक है, और काट लेते हैं, 4 7 28, 4 3 12, 4 1 4, 4 5 20, ठीक है, 7 से काट लेते हैं इसको, 7 6 28,
सात पंजे 35 और ये 0, तो x बराबर आ जाएगा हमारा, हम इनकी बस 2 0 बढ़ा देंगे, यानी राइट आंसर आ गया इसका ए, ए इसका राइट आंसर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 8% बिक्री कर सहित एक घड़ी का विक्रय मूल्य ये है, तो घड़ी का अंकित मूल्य याद कीजिए। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसके आंसर को, जल्दी से मेरे से पहले करें और बताएं, जो मैंने अभी किया था बिल्कुल वही है। तो फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस प्लस टैक्स, शॉर्टकट में सेलिंग प्राइस, घड़ी का विक्रय मूल्य 810 रुपये है, ये हमें 810 रुपये दे रखा है, घड़ी का अंकित मूल्य पूछा है यानी कि एक्स, और टैक्स कितना है, एक्स पे हमेशा अंकित मूल्य पे ही टैक्स लगता है, ठीक है, तो 8% यानी 8/100। तो आप देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको, 810 100 यहाँ पर पहुँच जाएगा, और इसका आएगा 100 एकम 100 और 108 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से एक्स निकाल लेंगे। तो अब इसे काट दे रहे हैं, 4 दुनी 8, 4 छंग 4 दुनिया 4 सत्ते 28, 4 2 अच्छा 4 इसे काटो, चलो 4 से 4 दुनिया 4 पंजे 20, ठीक है, अब इसे काटेंगे, 27 तिया 81 ये आ गया, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 तिया 75, 750 रुपये, तो राइट आंसर हो गया इसका ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्क्रीन पे, संजय ने एक साइकिल, देखिए ये भी फिर देखिए शॉर्ट में करेंगे हम इसको, संजय ने एक साइकिल के लिए बिक्री कर सहित इतने रुपए दिए, यानी कि ये हो गया कुल प्राइस, अंकित मूल्य इतना है, तो बिक्री करके दर निकाल लिए हमें, यानी कि आपके हमें दर निकालनी है, अगर दर नहीं मालूम है तो उसे आप आर मान सकते हैं, क्योंकि दर आर से अच्छी लगती है। तो बिक्री कर सहित इतना मूल्य, यानी कुल मूल्य हमें दे रखा है, यानी कि हमें दे रखा सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है मार्क प्राइस प्लस के टैक्स, तो सेलिंग प्राइस कितना है, यह 10 1058 रुपये 40 पैसे, ठीक है, मार्क प्राइस हमें दे रखा है 980 रुपये। अब टैक्स, टैक्स हमें बिक्री करके दर हमसे पूछिए, तो वो तो इसी पे लगेगी 980 में, 980 का अब परसेंटेज कितनी वो हमें नहीं मालूम, तो हमने आर मान लिया आर परसेंट, तो R/100, ठीक है। आपके भी देखिए सेम वही काम करना है, हमें शॉर्ट में सोल्व करना है, तो 1058 रुपये 40 पैसे में वैसे 980 माइनस कर देंगे पहले, 40 पैसे में 980 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 40 8 900, अच्छा ये 5 ये बचेगा, 15 में से 8 है गए 7, और ये 78 रुपये ये बचेगा, 78 78.40, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 100 ये इंटू पहुँच जाएगा अपोन में आ जाएगा 980, तो हमें ज़्यादा डिटेल से नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हटाएंगे और 2 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 0, 1 2 3 0 कैंसिल हो गए। अब 98 से 100 काट लेते हैं, तो पहले हम कितने से, 4 4 से कट जाएगा, 4 2 से काट लेते हैं, पहले 2 4 8, 2 9 18, 2 3 6, 2 9 18, 2 2 4, 7 5 35, हाँ 7 से काट देते हैं, 7 7 49, 7 5 35 और 7 6 42, 7 8 56, तो R बराबर आ गया 8%, इसका राइट आंसर आ गया ए, इसका राइट आंसर आ गया। चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए, आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि टूथपेस्ट का अंकित मूल्य 40 रुपये, टूथपेस्ट पर बिक्री कर की दर 12% खरीदार को देना पड़ेगा, तो बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही कर लेंगे, सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है, कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 40, और इस पर टैक्स कितना 12% है, तो 40 का 12/100, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 6 12 2 5 10, तो हो जाएगा 40 5 200 प्लस 4 6 24/5, तो ये हो जाएगा 224 रुपये/5,
पाँच से काटते रहे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो कितना आ गया, 44.8, यानी कि ये आ जाएगा 44.80, तो राइट आंसर हो गया इसका ये ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, ये आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रमेश ने एक कमीज इतने रुपए में, 7% बिक्री कर सम्मिलित है, एक वाशिंग मशीन इतने रुपए में जिसमें 10% बिक्री कर सम्मिलित है, VCR 19,980 रुपए में, पहले पुराने जमाने में VCR आते थे, जिसमें 8% बिक्री का सम्मिलित है, क्रय किए, तो तीनों वस्तुओं का अंकित मूल्य का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए तीनों वस्तुओं का अंकित मूल्य का योगफल ज्ञात करना, तो हम पहले पहली चीज़ का अंकित मूल्य निकालेंगे, फिर दूसरी का निकालेंगे, फिर तीसरी का, तीनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो पहली का अंकित मूल्य हमें कैसे निकालेंगे, मान लीजिए उसको एक्स मान लेते हैं, 374 रुपये 50 पैसे कुल मूल्य दे रखा, अंकित मूल्य एक्स मान लिया, और एक्स का 60% यानी कि सेविन एक्स बटे 100 हम डायरेक्ट करेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्स हम निकालेंगे, एक्स हो जाएगा 374.50, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में कितना जाएगा, 107। ठीक है, अब इसे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से 2 जीरो बढ़ाएंगे, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब इसे 107 से इसको भाग दे देंगे, अब एक 3 3 9 3 3 9, अच्छा तो पूरे से भाग देना पड़ेगा इसको, तो भाग दे ले लेते हैं, 107 से कितने से, 374.50 को, तो पहले 3 बार दे लेंगे, 3 7 21, 3 1 3, कितना बचा 3, और ये बचा 7 में 2 गए 5। ठीक है, और ये उतार दिया हमने 5, तो अब ये चला जाएगा 5 बार, 5 7 35, 5 1 5, तो अब ये 0 यहाँ पे ऐसे उतार देंगे, तो चलिए तो कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू आ गया 350 रुपये। अब इसी तरह से देखिए दूसरा वाले कर देते, हम डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखेंगे, अब हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे, तो भाई बराबर कितना जाएगा, पहले तो लिखना हमें कितना, दूसरा वाला कौन सा था, ये 10 374, अब है 13,750, तो पहले लिखेंगे 13,750, गुणा में क्या लिखना, 100 लिखना है। ठीक है, अब अपॉन में क्या कर देना, 107, तो यानी कि हमें जैसे 100 में हमने ये जोड़ा था 7, तो आपके 100 में 10 जोड़ देंगे, यानी आ जाएगा 110, इस तरह कर देना। ठीक है, क्योंकि पॉइंट तो ऊपर है ही नहीं आपके, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 2 बचा, 11 2 22, 5 बचा 11 5 55, तो यह आ जाएगा 22 बराबर 12,500। ठीक है, इसी तरह से हम डायरेक्ट जेड वाला निकाल देंगे, जेड यानी तीसरा वाला, फिर ये लिखना हमें 19,980, और यहाँ पे कितना लिख देना, 100 लिख देना, और अपॉन में उस परसेंटेज को जोड़ देना, तो 8 और जोड़ देंगे, 108 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 2 8, 4 7 28, 4 2 8, 4 5 20। ठीक है, अब ये कितना है, 19, 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 2 18, 1 बचा, 9 3 18, 9 3 18, 0 और काट देंगे 3 से, 3 7 21, 3 4 12, यानी कि 740 की 25 से और गुणा कर लेंगे, तो 25,000, 25 चौका 100 का 0, 25 7 175, यानी 185, 18,500। अब इन सबको जोड़ लेंगे, कैसे जोड़ना है, 18,500 में कितना जोड़ना है, पहला आया था हमारा यहाँ पे 12,500, फिर आया 350, जोड़ेंगे देखिए आंसर आ जाएगा 0 5 5 5 10 13 13 का 3 8 2 10 11 31,350, तो राइट आंसर हो गया इसका सी, राइट आंसर आ गया इसका सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए मोहन 55,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, मोहन
55,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, इसमें बिक्री कर भी शामिल है, यानी कि ये हो गया सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस यानी 55,000 रुपये, ठीक है, बराबर होता है मार्क प्राइस। यदि बिक्री कर की दर 10% है तो बिक्री का अंकित मूल्य क्या है। मार्क प्राइस हमें से पूछा जो हमें मालूम नहीं है, थोड़ी देर के लिए हम इसे एक्स मान लेते हैं। कितना, 10%, यानी एक्स का 10% 10/100। तो एक्स हमें निकालना, तो जैसा कि हमने बताया था इसको हमें शॉर्ट में ही करना है, डिटेल नहीं करनी है। तो 100 यहाँ आ जाएगा, नीचे 100x+10x यानी 110, ठीक है। तो इस तरह से हम शॉर्ट में इसको कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 11 5 55, 5,000, 5,000 एक और 0 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 50,000 रुपये। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 50,000। राइट आंसर हो गया इसका सी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सौर्य ने किसी स्टोर से निम्नलिखित सामान खरीदा, सामान की है यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी मात्रा ये है और दर इतनी है, ठीक है। यदि व्यापार की कर की दर 8% है, टैक्स कितना 8% है, तो उसके द्वारा देय व्यापार कर कितना है, यानी हमें ये बताना है कि उसे कितना टैक्स देना पड़ा। तो पहले हम पता लगाएं कि इन सब का मूल्य कितना, यानी कि अंकित मूल्य कितना है। यहाँ पे देखिए, अगर नहीं दे रखा हो कि कुल मूल्य की कैसा है, तो वो अंकित मूल्य ही होता है। अगर हमें टैक्स अलग से दे रखा है तो इसका मतलब ये अंकित मूल्य है। अब देखिए, 24 रुपये प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन जो है वो 24 रुपये का है। तो कितना खरीदा उसने पेंसिल, 6 दर्जन, तो 6 दर्जन ज़्यादा होंगी, तो 6 की हम 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 चौक 24 का 4, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी 140 रुपये की हो गई है। 3 दर्जन 18 रुपये प्रति दर्जन, तो एक दर्जन 180 रुपये की, 3 × 18 = 54, यानी 540 की जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, साबुन हो जाएंगे। तौलिया दो दो खरीदी है, एक तौलिया 50 रुपये की, दो तौलिया हो गए 100 रुपये की। इसी तरह से उसने जो है पेन 2 दर्जन खरीदे, एक दर्जन पेन जो 28 रुपये के, तो 2 दर्जन हो जाएंगे 56 रुपये के। उसके बाद एक दो बैग खरीदा, एक बैग 90 रुपये का, तो 2 बैग हो जाएंगे 180 रुपये के। इस प्रकार से हम जोड़ लेते हैं तो हमें जो है इसका मार्क प्राइस मालूम हो जाएगा, यानी MP मालूम हो जाएगा। 6 × 4 = 10, 4 × 5 = 9, 9 × 5 = 14, और 8 × 22 = 2, यहाँ से लगे 2 × 1 = 3, और 5 × 8 = 9 = 10, यानी कि 1,020 रुपये मार्क। अब कितना, 8%, तो हमें का टैक्स निकालना। तो टैक्स निकालने के लिए क्या करना, अंकित मूल्य हमारे पास मालूम ही है, 1,020 का कितने परसेंट, 8%, तो 8/100। तो इसे 0 से 0 काट देंगे, और ये 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 0, 4 × 1 = 4, 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 × 8 = 40, ठीक है, 5 × 1 = 5, और 5 × 3 = 30, यानी कि 81 रुपये 6 पैसे, यानी 81 रुपये 60 पैसे। तो 81 रुपये 60 पैसे यह है। तो यहाँ पर आंसर मैंने लिखा, चलिए मैंने यहाँ किया है उसका आंसर ये है, 81 रुपये 60 पैसे, बिल्कुल सही है। तो ये उसका जो हो गया 81 रुपये 60 पैसे आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक टीवी का अंकित मूल्य इतना दे रखा है, यानी कि मार्क प्राइस हमें इतना दे रखा है, दुकानदार नगद भुगतान पर इतने परसेंट की छूट देता है। वो कहता है अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट पेमेंट करोगे, नगद करोगे, तो वो 12.5% छूट दे देगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया था, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होती है, यानी कि वो 16,000 रुपये नहीं देगा, इसका जो अंकित मूल्य होगा उस पर छूट देगा। बिक्री कर की दर कितनी, 8% है, तो ग्राहक द्वारा दुकानदार को नगद भुगतान पर कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि उसे कुल कितने रुपए देना है। तो हम जानते हैं कुल, यानी जो उसका सेलिंग प्राइस था उसका, यानी कुल रुपए जो देने पड़ेंगे वो होगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कह दो या मार्क प्राइस, बात एक ही है, प्लस टैक्स होगा, ठीक है। अब देखिए कुल कितना देना है, तो पहले हमें कॉस्ट प्राइस इसका निकालना पड़ेगा, यानी मार्क प्राइस हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने छूट दे दी। छूट नहीं देता, कितने परसेंट छूट दिए, 12.5% की। तो कैसे निकालेंगे, 16,000 में से अब भी कम हो जाएगा, कितना, 16,000 का कितने परसेंट, 12.5% कम हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लेंगे। 12.5 का परसेंट के नीचे अपॉन में 100 लगाएंगे,
पॉइंट हटा के यहाँ पे जीरो लगा देंगे, इसे इसको भाग देंगे तो 125 अट्ठे 1000, और 1000 से इसको भाग, 8 से इसको भाग देंगे, 8 दूनी 16, ये 2000 रुपये की छूट हो गई, अब हो गया 14000 रुपये। ठीक है, तो अंकित मूल्य जो होगा यानी कि मार्क प्राइस जो होगा वो 14000 रुपये होगा, और अंकित मूल्य पे ही क्या है टैक्स लगता है। ठीक है, तो टैक्स कितना लेना देना है बिक्री का, कितना 8%, तो 14000 का 8% टैक्स लगा देंगे यानी कि 8 बटे 100, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 14000 और 14 18 14 42 14 56 14 55 14 54 14 58 14 18 112, तो 1120 रुपये और जोड़ देंगे, तो 14000 यानी 15120 रुपये, कितना हो जाएगा इसका 15120 रुपये, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। एक वाशिंग पाउडर का अंकित मूल्य 80 रुपये है, व्यापार कर 12.5% है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए सीधा ये क्वेश्चन, यानी कि हमें जो निकालना सेलिंग प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा 80 रुपये, और कितने इतने परसेंट का टैक्स है इस पर, तो 80 का कितने परसेंट, 12.5%, तो बटे में 100 पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो हो जाएगा, ये जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 दूनी 8, तो 2 पंजे 10, 90 रुपये आंसर आ गया, राइट आंसर हो गया सी। चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य इतना है, यदि बिक्री कर की दर 8% है तो मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य, ये भी बिल्कुल सेम वही है, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो अंकित मूल्य है 34000 रुपये, और 34000 पर कितना 8% का टैक्स लगा देंगे, 34000 का 8% यानी 8 बटे 100, तो लीजिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 340, 8 0 0 8 6 32, 8 3 24, 3 27, तो इसे जोड़ देते हैं 34000, 34000 में जोड़ेंगे 36720, 36720 यानी कि ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है, 13 है देवेश ने एक डिजिटल कैमरा 6000 रुपये में खरीदा, 60% लाभ पर बेच दिया, डिजिटल कैमरे का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है, तो सेलिंग, देखिए सेलिंग प्राइस जो होता है खरीदा यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी जो हमने खरीदा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के बराबर ही होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो इसके सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के इक्वल भी होता है, तो एक देवेश ने एक डिजिटल कैमरा 6000 रुपये में खरीदा, यानी कि 6000 रुपये, ये दुकानदार की बात है, दुकानदार ने वो जो है 6000 रुपये का खरीदा और उस पर 60% का लाभ ले लिया, तो 6000 खरीदे कितने में ले लिया, खरीदा यानी कि ये जो हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया, अब इस पर 60% का लाभ लिया, 7% का लाभ, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 6000 प्लस 6 7 42 यानी कि 420 रुपये, तो 6420 रुपये, 6420 यानी सी इसका राइट आंसर हो गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है एक ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य 45000 रुपये खरीदने के लिए 50,400 देना पड़ा, मोटरसाइकिल का बिक्री करके दर ज्ञात कीजिए। आपके हमें परसेंटेज निकाल लिए, अंकित मूल्य दे रखा, कुल मूल्य दे रखा, तो कुल मूल्य हम जानते हैं कि कुल मूल्य बराबर होता अंकित मूल्य यानी कि 45000 प्लस कर, कर तो हमें मालूम नहीं है तो उसे हम अंकित मूल्य पर लाएगा, कर हमने हमेशा बता दिया था, 45000 का इसे आर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से 2 जीरो से 0 कैंसिल, 45000, 50400 में 45000 करेंगे तो 5400 बचेगा, और ये हो जाएगा बटे में कितना बचेगा 450, तो इसे सॉल्व कर लेंगे,
पाँच नौ 45, 5 10 50, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो कितने परसेंट आ गया? 12%। राइट आंसर हो गया इसका बी, 12%। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या, एक दुकानदार एक टीवी सेट पर 5% की छूट घोषित करता है। छूट घोषित करता है तो इसका मतलब अंकित मूल्य कम हो जाएगा इसका। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 18,000 रुपये है तो ग्राहक को टीवी खरीदने के लिए कुल कितनी रकम देनी होगी, जबकि बिक्री का 18%। तो कई बार हो चुका, तो पहले हम किसका जो है मार्क प्राइस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उसने डिस्काउंट दे दिया, तो अब मार्क प्राइस क्या हो जाएगा इसका, कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18,000 में से 18,000 का कितने परसेंट कम कर देंगे, 5%, क्योंकि 5% की उसने छूट ली। तो इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे, 18,000 में से कितना कम करना है, 18×5 90, 900 रुपये कम कर देना। तो 900 रुपये कम करके ले जाएगा ये 17,100 रुपये रह जाएगा। ठीक है, अब हम फिर बोलेंगे कुल, हम कुल कितनी रकम देनी पड़ेगी। तो सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है, कॉस्ट प्राइस हो गया 17,100, और इस पर टैक्स लगा देंगे 17,100 पे। कितना टैक्स लगाना, 8%। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 0 से 0, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8 है 5, 13। तो 13,000 इसमें और जोड़ देते हैं, 17,100 में 1368 रुपये। तो कितना आएगा, 8 6 3 और 1 4 और 1 2, रुक जाओ ये आ गया 0 68, तो ये आ गया। ठीक है, फिर आ गया 3 और 1 4, 17 1 18 हो जाएंगे, 18,468 रुपये, 18,468 रुपये डी इसका राइट आंसर आ गया। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 16। डेविड एक रेडियो को 822 रुपये में खरीदता है, जिसे बिक्री कर सम्मिलित है। यदि रेडियो का अंकित मूल्य यह है तो बिक्री कर की दर, देखिए कई बार आ चुका है, तो इसको भी मैं डायरेक्ट करूँगा। अंकित मूल्य हमें दे रखा 840 रुपये, इस पर टैक्स लगा दो, 840 का 8% नहीं दे रखी है, तो थोड़ी देर के लिए 8% मान लेते हैं, 0 से 0, 840 यानी ये बचेगा 2 और ये 8 42 रुपये, ये 10 इंटू में पहुंच जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 84। तो 42 दूनी 84, 2 5 10, तो आर बराबर आ गया 5%। राइट आंसर आ गया ए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। शीला ने एक टीवी खरीदा जिसका अंकित मूल्य 12,000 रुपये है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट कर दी। छूट के बाद 10% की दर से बिक्री कर लिया गया, दोबारा कुल धन। बिल्कुल देखिए भाई, क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है, तो आप देखिए पहले इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि मार्क प्राइस जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12,000 नहीं रहेगा, क्योंकि छूट दे दी उसने। 12,000 में से 12,000 का कितने परसेंट, 10% कम कर देंगे, तो 12,000 का 10% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपये कम कर देंगे 12,000 में से 1200, तो ये बचेगा 11,800 रुपये। ठीक है, अब 11,800 रुपये प्लस 11,800 पर टैक्स लगा देना है, 11,800 पर टैक्स कितना देना है, टैक्स देना 10%, 10/100। तो आप कितना इसे जोड़ लीजिए, तो 0 से 0, 8 आएगा और 8 1 हो गया 9 और 11 1 हो जाएंगे 12,980 रुपये, 12,980 है, तो 11 रह गया। दोबारा देख लेते हैं, 0 का 0, 8 का 8, ठीक है। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे है 1180 रुपये जोड़ना ना हमें, तो 0 फिर 8 आ गया और फिर तीसरे नंबर पे 11 1 1 2, 1180 रुपये। अच्छा, ये 11,000, ये 180 रुपये, 1180 रुपये। अच्छा, 0 8 8 1 9, 12,980 बैठ रहा है,
इसमें तो कोई नहीं, चलो मैंने ये किया था, देख लेते हैं कौन सा। अच्छा यहाँ ये कैलकुलेशन, इसका मतलब मैंने 10,800, यहाँ कितना था 10,800, अच्छा 10,800 बचेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, 1,200 कम करेंगे तो 10,800 बचेगा, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 10,800। ठीक है तो 10,800 ये पूरा क्या है, चलो मैंने यहाँ कर दिया इसको देख लीजिए, 10,800 आएगा, फिर 10,800 का इतने परसेंट यानी 11,880 इसका आंसर आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, यदि बिक्री कर की दर 4% हो तो ग्राहक को कुल कितना मूल्य देना पड़ेगा। ये भी बिल्कुल सेम है, आप कर सकते हैं, इसके आंसर को जल्दी से अकाउंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए मैंने इसको किया, मैं डायरेक्ट इसको बता देता हूँ। तो देखिए मैं सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस प्लस टैक्स 500 प्लस 500 का 4% यानी 520 रुपये, राइट आंसर हो गया इसका, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया है, अब मैं सॉल्व नहीं करूँगा, डायरेक्ट आंसर बताऊँगा, आप भी इसको डायरेक्ट मेरे से पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक वॉशिंग मशीन का बिक्री कर सहित मूल्य यानी कुल मूल्य दे रखा है ये, यदि बिक्री करके अंकित मूल्य पर 5% की दर से दे हो तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य, तो सेलिंग प्राइस दे रखा अंकित मूल्य एक्स मान लेंगे, एक्स प्लस एक्स का 5%, इसे सॉल्व करेंगे आंसर हमारा जाएगा, देखिए ये एक्स प्लस एक्स का 5% सॉल्व किया 8,000 रुपये, ये इसका राइट आंसर। और आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, दवाओं पर बिक्री कर 10% हो, 90 रुपये लिखित मूल्य की दवाओं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुल मूल्य हमसे पूछा है, तो कुल मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 90 रुपये है, इस पर 10% टैक्स है, तो 90 का 10% टैक्स निकाल देंगे, 10% ये तो कितने 99 रुपये उसे देने पड़ेंगे, 99 रुपये राइट आंसर हो गया बी। तो यहाँ पर देखिए हमने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टैक्सेशन के और इसकी कुछ थ्योरी दे दी है, और जो इससे अगला पार्ट होगा हम उसमें इनकम टैक्स यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो इनकम टैक्स कैसे देते हैं उसकी पूरी जानकारी देंगे। जब आप उसका पूरे प्रोसेस को समझ लेंगे तो उसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप जवाब दे सकते हैं, बस आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए किस तरह से हम इनकम टैक्स निकालते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम दिखाएंगे कि गवर्नमेंट जॉब जो होती है, जैसे सरकारी टीचर है कोई, तो टीचर्स को कैसे इनकम टैक्स निकाला जाता है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।